हेलो दोस्तों, इसमें अभी ये जो सेंसर प्लेट है इसके हब मोटर के, इसमें सेंसर मैंने बदल चुके मैंने पहले बता नहीं पाया, तो अभी इसमें हमने बदल चुके हैं और इसको लगाना है। लेकिन अगर मैं इसे लगाऊंगा तो ये प्लेट सेम अभी तो है नहीं, और जो इसके प्लेट एक और है जो अक्सर रिक्शा में लगाते हैं, ये प्लेट इसमें चलेगा नहीं, क्योंकि तो ये सेंसर प्लेट है इसकी बनावट अलग है और इसकी बनावट अलग है। बोले कैसे बनावट है, ये देखिए गौर से देखिए, तो इसमें जो है इसका जो गोलाई है बाहर साइड, इसका जो गोलाई बाहर साइड है दोनों एक जैसा ही है, लेकिन इसके जो सेंसर लगे हैं इस तरफ है और उसके सेंसर जो है उस तरफ है। तो अब अगर मैं इसे बैठाना चाहूंगा, जैसे ये कहाँ पे था, यहाँ पे था, ठीक है, तो जैसे ये मैं बैठाना चाहूंगा, ये तो इसका ओरिजिनल है, इसमें बैठ जाएगा। लेकिन अगर इसे बैठाना चाहूंगा तो ये जो है इस तरह से बैठेगा नहीं, और इस तरह से ये कहाँ जा रहा है, अंदर साइड, मतलब इतनी यहाँ पे आ रहा है ऐसे। अब लगाना कैसे है, ये सेंसर जो है इस तरफ होना चाहिए, किनारे भी इस किनारे में, और वो अभी इसमें जा रहा है उस किनारे में। तो इस तरह से बदलने के लिए कैसे बदलेंगे, और इसमें बदल के अगर मान लो इसका जो डिजाइन किया हुआ प्रिंटिंग है वो लेआउट अगर मैच नहीं कर रहा तो उसको कैसे मैच करेंगे, ये सब आपको बताएंगे कोर्स में। तो अगर सीखना है तो कोर्स कीजिए, और इसकी जो पूरी तरह से सेंसर कैसे बैठाना है हब मोटर में और BLDC मोटर में, वो सारे आपको बताया जाएगा, और इस तरह से आप सीख सकते हैं। अभी इसको हम चलाकर दिखाएंगे कि मैं तो ये लगा दूंगा, लेकिन क्या है मुझे इसमें प्रिंटिंग कटिंग करनी पड़ेगी, तो मैं क्या करूंगा, अभी फिलहाल मैं इसे ही लगा रहा हूं और इसे रिपेयर कर चुका हूं, ये ठीक हो गया है, ये पहले खराब था, मैं अभी ठीक कर चुका हूं इसमें। और जिसने भी इसको पहले बनाया था वो कर नहीं पाया, उसने मुझे दिया कि आप कर दीजिए सर, मुझे मेरे से हुआ नहीं, पता नहीं सेंसर खराब है या कॉइल खराब है, तो मैंने देख लिया ये सेंसर प्लेट में खराबी थी और इसे ठीक करके अभी चलाकर दिखाऊंगा। तो चलिए लगाते हैं, कैसे करना है, इसे कनेक्शन कीजिए। तो अभी कनेक्शन मान लीजिए इसमें खुला है, अभी तो इसमें लिखा हुआ है प्लस कौन सा है माइनस कौन सा है, ABC जो सेंसर की तार है वो है, तो प्लस माइनस तो आप समझ रहे होंगे, ABC भी आप समझ जाएंगे। तो अभी लगाते हैं, हेलो दोस्तों, पूरी वीडियो देखिए, इसमें से दो मोटर हब मोटर और ये एक LED TV के बारे में बताया हूँ, तो 34 मिनट का वीडियो है, तो तीन वीडियो है, इसमें तीनों वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जानकारी होगी और आपको फायदे के लिए लगा बनाया हूँ। ये इस तरह से लग गया, अब इसे टाई दो, पहले टाई दो, रोक दें, रुकिए, ये देखिए मैंने लगा दिया, अब इसे हम और भी टाई लगा सकते हैं, लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, कटर को ये देखिए काट दी, ठीक है। अब इसमें कौन सी किसकी है उसको समझने के लिए मुझे तो पता है, अगर आपको समझना है तो कोर्स में आपको बता दिया जाएगा कि कौन सी तार किसकी है। साइड में ब्लू है और बी में येलो है और ए में ग्रीन है, ग्रीन है। अब इसे अगर ये टाइट हो रही है तो तार लंबी कर देंगे, लेकिन अभी ठीक है, और पूरी खोलने के बजाय इतना टाइम खराब करेंगे, इससे अच्छा अभी चल रहा है, अगर टाइट तार छोटी होगी तो कर देंगे बड़ी। अब इसको फिट कीजिए, ठीक है, अब ये ऊपर देखना पड़ेगा कि हाइट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ऊपर का जो कवर है इसका उसमें टच हुआ, और मैंने इसमें जो लगाया है पूरी तरह से देखिए बैठा हुआ है, ये देखिए बैठा हुआ है, दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो इस तरह से बैठा होना चाहिए,
ठीक है, अगर बैठा नहीं रहेगा तो क्या होगा, सेंसर सही काम नहीं करेगा। ठीक है, ढक्कन लगाइए, ढक्कन लगाइए, खोल के लिए। तो ये देखिए, इसको लगाना है तो थोड़ा सा नीचे 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 नीचे, ये पीछे है। होगा होगा, और घुमाइए सर इसको, एक लाइट और जला लें क्या। ये जो है, हम मोटर चेक कर रहे हैं। मोटर चेक करने के लिए इसका जो कपलर है, दूसरा है, ये मैंने कपलर ला चुका हूँ, लेकिन उसके जो पिन है उसको लगाना है। तो अभी तो फिलहाल मैंने इसको स्विच कर दिया है। अगर ये कपलर लेना हो मेल फीमेल तो आप मेरे को कॉल कीजिएगा। और ये जो है चेक करने के लिए, मैं अभी इसमें लगा चुका हूँ, और अब चेक करना है मोटर को पहिया घुमा कर। तो पहिया घुमाइए, चला दीजिए, एक मिनट रुकिए, इसे बत्ती तो जल्दी दिखती नहीं है। तो इसको हम चलेगी, एक चमकती है, ऐसे दिख रही है। तो ऐसा कीजिए, अंधेरे में अब घुमाइए, ये देखिए है ना, आपस में ये दोनों चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। ये वाला जो है, मेरी एलईडी खराब है, अगर ये एलईडी अंदर से रिपेयर करेंगे तो ये भी जलेगी, तो वो बाद की बात है, लेकिन अभी फिलहाल ये दोनों जो चल रहा है तो इसका मतलब ये भी काम कर रहा है। ये एलईडी खराब है, और आप इसको खरीद सकते हैं मेरे साथ, ये नहीं कोई और शर्ट दूंगा जिसमें ये नहीं चल रही है, इसको छोड़िए। और कोई भी आइटम चाहिए, कपलर, जैसे ये कपलर मैंने आपको बताया था, ये कपलर भी मेरे पास है, तो ये कपलर है, लेकिन इन्होंने अभी, मैंने बोला था इनको कि अभी मार्केट से आएगा, तब तक इसने जोड़ के इसको रखा है, और मैं एसी भी अप कर रहा हूँ, और इसका कपलर आ चुका है। ठीक है, तो ये इस तरह से चेक करेंगे। अब आपको मैं कंट्रोलर पर चला के दिखा रहा हूँ, ये पहले इसमें नहीं चल रही थी, पहले जो है ये काम नहीं कर रहा था। आप कहीं सोचेंगे कि ये तो खराब रहेगा तभी चलेगा, ऐसा नहीं है, ये पहले नहीं काम कर रहा था, अभी ये काम कर रहा है। तो सेंसर सही करने के बाद अब मैं इसको कंट्रोलर पे चला कर दिखा, मत करो। तो अभी देख लिए, मैंने वायरिंग कर दी है, ये कंट्रोलर भी जोड़ दिया और ये जोड़ दिया, ये वायरिंग है, और ये वायरिंग जो इधर से, ये इसका कपलर नहीं मिल रहा था, इस कारण से ये लगाया हूँ। और ये जो कपलर है 9 पिन वाला, ये आप मेरे से खरीद सकते हैं, 1000 पीस लीजिए या 500 पीस लीजिए, मेल फीमेल दोनों, ठीक है। और ये भी, इसके साथ में एक और अनमोल आता है, देखिए एक साइड में ये 6 पिन का है और बड़ा वाला है, इसको चेक करने के लिए इधर जो है आम सेंसर जिसमें चेक करते हैं, वो हमने उसी तरह से लगा रखा है। ये देखिए, ये छोटा वाला सेंसर कपलर, और ये बड़ा वाला कपलर था, तो इसके साथ में छोटा वाला जोड़ रखा है, वो जोड़ा हुआ मिल रहा है, ठीक है, ये खरीद सकते हैं। और अब देखिए, मैं चलाकर दिखाता हूँ, ये देखिए पढ़ करके देख लिए, चल रही है ना, ये देखिए, मैंने छोड़ दिया हाथ, एक हाथ से रोकिए उसको, रुक गई, पकड़ कर रखो, मैं दोबारा चला रहा हूँ, पकड़ कर रखो, चलाऊं, देखिए, ठीक है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ, जिन्होंने भेजे थे रिपेयरिंग के लिए,
और मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि मैं ये रिपेयर कर चुका हूँ, आप अब खुद आप कर लेकर जाइए, और इसमें जो भी खराबी थी मोटर में वो रिपेयर हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है दूसरा कंट्रोलर हब मोटर कौन सा है दिखाइए बोला, उसको करना है ना, इसको भी रिपेयर करना है, और ये भी अभी बाहर से आया है, इसका कुरियर का है। चलो रहने छोड़ो, ये अभी रिपेयर करना है, तो दोस्तों इसका भी वीडियो में थोड़ा सा दिखाता हूँ। तो सेंसर देखो, एक बार करो वो उधर से पहले तार को सही करके निकालो, मतलब यहाँ तार सही करके इसको पहले इसी में डालो, ऐसे रहने दो, ऐसे ज़्यादा मत रखो। हाँ अब उसको निकालो, सेंसर देखो ऐसे रहे, ऐसे रहे, पकड़ो पकड़ कर ना, सेंसर प्लेट ठीक है, ये सेंसर प्लेट है, कितनी लंबी है बहुत लंबी है, इसे अभी रिपेयर करते हैं, तो रिपेयर करने के बाद आपको दिखाते हैं, क्योंकि इसको कैमरा पकड़ना दिक्कत हो रही है। ठीक है, केच खोल दिया ना उसको, और भी दिखा देते हैं। देखिए इसमें जो मोटर हमने खोल रहे थे ये पूरी तरह से खुल चुका है, अब इसमें सेंसर जो है दिख भी रहा है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा लाल सा, ये सेंसर टूटा हुआ है ना, तो ये इस तरह से यहाँ भी है, और ये सारे चेंज करना है, लेकिन इसको खोलने के लिए बहुत सारा टाइम और बहुत सारा जुगाड़ करना पड़ा। ये देखिए खोलने के लिए ये मेरे पास जो है इसको खोलने, हाँ टीवी सही हो गया, तो ये सारा जो है मैंने जुगाड़ किया है इसके, हाँ ले जाओ मम्मी को बुला के लेके आओ, ये जो है इसके गियर जो इसमें लगा हुआ था, इसके इतने सारे लॉक जो इसमें खोल के निकाले हैं, ठीक है ठीक, दोबारा इसको लगाना पड़ेगा, तो अभी हम सेंसर लगा निकालते हैं, पहले निकालिए सेंसर निकालिए, वो तो पिन्नी को तो डाल देंगे, इनकी डाल रखा है इसमें टूटे ना वो, मम्मी आ ली है तो मम्मी को मैं क्या करूँ भाई, ये एलपी लगाने से चिपक गया है, तो इसको निकल गया।
इस तरह से सेंसर लगा के दोबारा सेंसर लगाएं। ये देखिए रिपेयर हो चुका है और मैंने सेंसर लगा के जो भी है एक तार लाइन टूटी हुई थी तो मैंने ऊपर से लगा दी और ये रिपेयर हो गया। और ये अगर ख़रीदना हो आपको तो मुझे बोलिए, मैं आपको दूंगा। और इसको आप फिट करके चेक करके चलाते हैं। इसको जैसे भी खोलेंगे, देखिए मैं इसे घुमा रहा हूँ और ये खुल गया। ठीक है, ये खरीद सकते हैं मेरे से। आप इसे चलाकर देखते हैं, फिट करो इसे। करते हैं भैया, हम जो लॉक है लॉक लगा दिए और इधर का जो भी लॉक एक लगाना है यहाँ पे लगाना है। इसका निकालो, दोबारा निकालो, लॉक लगा दिए था ना। अच्छा लगाइए इसे, लगाइए। अच्छा इतने पेज लगाओ, तीन पेज होंगे इसके। छोटा वाला है ये। इसको ऐसे डालने का इसको पकड़ो। ये यहाँ पे लॉक लगाना है और ये लग जाने के बाद ये जो है इस तरफ बाहर नहीं आएगा। और इसको अच्छी तरह देख लेंगे कि लॉक लग गया है, लग गया। ठीक है, और अब क्या है, ये कस दिए। उसके बाद बहुत से कौन से लोग ये जो है इसका जो ग्रीस है इसमें लगा दें, है ना, ताकि लॉक तो बाहर आए लग ही गए हैं। पूरी तरह से बैठ गया है। अब इसे ये है ना, पूरी तरह से बैठ गया। दिया हूँ इसे फिट करके चालू करके दिखाएंगे। ठीक है, तो इसको फिट करने के लिए इसमें देख लेंगे कुछ है तो नहीं। अगर आपके पास ग्रीस है तो उसको लगा दीजिए। ये देखिए क्या है, ये उस मोटर की तरह नहीं है, ये आराम से निकल जाता है। ठीक है, ये निकल गया। अब इसके पीछे वाला जो है वो कहा, ये वाला, इसको लगाते हैं।
मॉडल की तरह का ये देखिए, और ये जो ये यहाँ पे नट लगा देंगे, बस ये फिट हो गया। अब इसको चलाकर दिखाता हूँ। ये देखिए, इसको जो मैंने तार मिलाना पड़ा, तार मिला चुका हूँ, और ये मिलाने के बाद मैं इसे चलाकर दिखाता हूँ। ये अभी जो रिपेयर किए थे इसको देखिए, तो ये हमारे हाथ में ये है, चल रहा है ना। क्या नाम था, अक्षय कुशवाहा। तो ये देखिए, ये अक्षय जी आपका जो है ये मोटर बन चुका है, और आप इसको लेने के लिए आइए, ठीक है। और इसके साथ में आपका कपलर नहीं लगा हुआ था, तो मैंने ये कपलर भी लगा दिया है, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं, मोटर के ठीक कर दिए। और आपने जो बोले थे इसमें ये लगाने के लिए, मैंने इसे लगाकर स्लिप लगा दी। एक सेकंड, रुको रुको। दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ इसमें गलतियां दिख रही हो तो आप कमेंट में बताइए, मैं दोबारा उसको सुधारूंगा। और अगर कोर्स करना हो, सीखना हो, तो मेरे नंबर जो लिखा हो उस पर कॉल कीजिए। अगर कॉल नहीं उठाते तो आप मिस कॉल करके छोड़ दीजिए, मैं बाद में ज़रूर करूँगा। थैंक यू दोस्तों। ये तो उसका हो गया। हेलो दोस्तों, मैं संजय लाल साहब, आपको संजय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में स्वागत है। और आज एक एलईडी टीवी है, इसमें एलजी का है, इसमें फॉल्ट क्या है, डिस्प्ले में कुछ नहीं है, रखा हूँ, ठीक है। ये देखिए इसकी तार लगी हुई है, लेकिन ठीक है, इसमें कुछ नहीं, लेकिन गौर से देखेंगे तो आपको इसमें कुछ दिखेगा, ऐसा लगेगा जैसे पीछे से लाइट नहीं है, चमक नहीं है। तो इसमें वो कैसे दिखाना है आपको, मोबाइल दीजिए दूसरा, मोबाइल का टॉर्च चलाइए, अभी दिखाते हैं। ये देखिए, आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन उधर बटन दबाइए, ये देखिए। अभी इसको हमने अपना दूसरा मोबाइल है जो इससे हम टॉर्च दिखा रहे हैं टीवी को, तो इसमें आप देखेंगे कुछ ना कुछ, बटन दबाइए उधर से, हाँ देखिए, ये देखिए है ना, फिर से दबाइए बटन दबाइए, ये देखिए, मतलब टीवी में दिख रहा है लेकिन बाहर से लाइट चमक नहीं है, मतलब रोशनी नहीं है, बाकी अंदर से डिस्प्ले आ रहा है। तो इसे ठीक करेंगे, कैसे ठीक करेंगे, कैसे देख होगा, क्या खराबी है उसको दिखाते हैं अभी। तो चलिए खोलते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे क्या, ये भी जानना जरूरी है। इसमें करना क्या है, अभी हमें पूरी तरह से पता है कि डिस्प्ले चालू है, डिस्प्ले चालू है, अरे इस पर जो है जो भी सिग्नल जाता है वो सब जा रहा है। असल में मेरा काम क्या है, रोशनी बढ़ाना। तो रोशनी जो एलईडी बत्ती से आती है वो उसकी सप्लाई कहाँ सी है, ये है, ये जो एलईडी से बत्ती जलती है वो है। तो इसका वोल्टेज चेक करेंगे और एलईडी चेक करेंगे कि अगर वोल्टेज सही है तो एलईडी खराब है, और एलईडी सही है तो फिर ये बोर्ड में वोल्टेज नहीं बन रहा है, उसको देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, बोर्ड में लगा दिए और इसको चेक करेंगे इसकी बत्ती को। तो इसमें बत्ती जो है ये वाली तार से अंदर गई है। तो आप ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि आप नए होंगे,
तो इसमें समझ में नहीं आएगा, तो हम पहले वो कर देते हैं जो आपको दिख जाएगा। जैसे देखिए लेके आए थे पुलिस का, जैसे अभी हमारे पास ये खुला है, ये खुला है, और ये जो बत्ती लगी है इसी बत्ती से बाहर डिस्प्ले में लाइट जाती है, और डिस्प्ले की लाइट जो है वो रोशनी चमक आती है, यानी ये जितना ज्यादा इसमें रोशनी होगी उतनी ज्यादा चमक आपको मिलेगी एलईडी में, ठीक है, टीवी में। तो अभी हम इसको चेक करते हैं पहले कि ये कैसे चेक होगा। तो मैं तो उसको बंद किए किए चेक कर रहा हूँ, तो अभी ये खुला है मेरे पास, तो खुला में चेक करें। जैसे मान लीजिए ये एलईडी चेक कर रहे हैं, ये पूरी एलईडी, तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, ये इसको ये देखिए इधर दिखाइए, दिख रहा है, ठीक है, मतलब ये जो पूरा जो पत्ती है वो पूरे जितने भी एलईडी लगी है वो ठीक है, और ये कितने वोल्ट का है ये इसमें दिख रहा है नंबर, वो देखिए आप, ये देखिए कितने नंबर है, 26 वोल्ट का है, ठीक है, ये टोटल एलईडी कितने हैं, 26 वोल्ट है। अब कहेंगे ये एक साथ सीरीज में जुड़ा रहता है, ये तार सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो हम इसे यहाँ प्लस लगा दिए, और ये जो है माइनस, ये देखिए अभी दोनों एलईडी बत्ती को एक साथ में जोड़ के हम चेक कर रहे हैं, तो ये कितना हो गया, 26 × 52 यानी 52 वोल्ट का ये एलईडी सारी है, ठीक है। अब एक एलईडी कितने की है वो आप निकाल सकते हैं गिनती के हिसाब से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 20 एलईडी है, तो 20 एलईडी के हिसाब से आप हिसाब लगा लेंगे थोड़ी इसमें, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसका जो है एलईडी में खराबी है, तो अगर मैं इसे चेक करूंगा तो एलईडी नहीं जलनी चाहिए, और अगर ये सही होगी तो एलईडी जैसे उसमें जली थी वैसे नीचे डिस्प्ले में आना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम इसे इसको हम देखेंगे जलाकर, ठीक है, इसे हम, ये चालू है, ये 300 भी रहेगा, तो इसे चेक, इसको एक थोड़ा सा दूर क्यों रख रहे, ये देखो अभी इसमें कितना आया, ये मतलब इस रुक नहीं रहा, और नीचे देखिए, नीचे देखिए डिस्प्ले दिखाइए, इधर से दिखाइए, नीचे बत्ती जल रही है, नहीं जल रही, दिखाइए इधर दिखाइए, तो मतलब ये अभी ये क्लियर नहीं हो रहा कि कितने वोल्ट का है, रुक नहीं रहा, ठीक है। अगर ये सही होता तो ये रुक जाता और मुझे पता चल जाता कितने वोल्ट का है। तो अब इसे खोलेंगे, खोल कर देखेंगे कि ये बत्ती में क्या खराब है और उसको क्या उपाय है, क्या करना है, ठीक है। तो चलिए खोलते हैं इसको, कितना मुश्किल से खोला इसको, ठीक है, और ये हर लॉक होता है, साइड से भी होता है, ऊपर से भी होता है, जैसे कि आईसी होती छोटी सी, इसको पहले निकाल के अभी इसको हटा रहा हूँ, इसको हटाने के बाद ये मेन पैनल है, ठीक है, ये मेन पैनल है, अभी देखिए नीचे क्या है, हम साइड में रख दिए। अब इसे सावधानी से, इसमें कोई ज्यादा डर की बात नहीं है, क्योंकि इस बत्ती को चेक कर रहा है कौन सा खराब है, कौन सा सही है, सारे खराब है या नहीं। तो जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था कि वो डिस्प्ले में बत्ती को कैसे चेक करना है, तो ठीक है, बत्ती चेक करने के लिए टेस्टर है जो हमारे पास है, जिसको आप खरीद सकते हैं, वो मेरे पास है सुपर एलईडी टेस्टर, इससे हर कोई एलईडी टीवी ठीक करने वाला तो हर किसी को वो पास होगा। और अगर आपके पास नहीं है, आप खरीदना चाहते हैं तो मुझे बताइए, मैं आपको लाकर दूंगा, और किसी और के पास नहीं, ये ज़्यादा कुछ नहीं है, तो ध्यान रखेंगे इसमें अगर दाग होगा तो आपको डिस्प्ले में ये दाग दिख जाएगा। ये हम निकाल दें, ठीक है, इधर दिखाइए कैसे रखे हैं, वैसे रखना है। अब ये सारी पत्ती जो है तार लगाइए, इसको तार लगाइए, इधर दिखाइए,
लगाते हुए भी दिखाइए उनको, ये सीरीज में लगाइए, सीरीज में लगाए, डायरेक्ट लगाइए इसको, डायरेक्ट लगाइए ऊपर उसी बड़ा वाला, हाँ डायरेक्ट लगाइए, अरे उसी को बड़ा वाला, हाँ ये डायरेक्ट लग गया। अब यहाँ पे कितना वोल्ट आया, 300 वोल्ट, ठीक है। अब 300 वोल्ट है, हमें एलईडी चेक करना है, इस एलईडी खराब है कि इसमें खराब है, किसमें किसमें खराब है, ये तीनों को हम आपस में चेक कर सकते हैं। तो इसमें आप गौर से देखेंगे माइनस प्लस सब में लिखा होता है, एलईडी में माइनस प्लस होता है और वो लिखा भी है, आप गौर से देखेंगे, दिखाइए इनको, देखिए ये माइनस है ये प्लस है, तो हम उसे माइनस को माइनस में प्लस को प्लस प्लस में लगाएंगे और इस एलईडी को चेक करेंगे कि ये खराब है कि नहीं। तो देखिए ये एलईडी जो है ये ठीक है, ठीक है ये ठीक है, और एक वहाँ पे बीच में खराब दिख रहा है, ठीक है ये एक तो खराब है। अच्छा ये इसमें ये देखिए ये जो है इसमें भी एक वहाँ पे बीच में दिखाइए उधर, एक नहीं कम जल रही, जली नहीं रही है, और इधर वाला जो है ये खराब होने वाली है, तेज जल रही है, तो मतलब इसमें दो खराब है उसमें एक खराब है, इसमें दो खराब है और इसमें इसमें एक खराब है, ठीक है। तो और इन तीनों को देखेंगे, तुम मोबाइल में देखो, आप मोबाइल में देखिए नहीं तो फिर वो उनको पता नहीं चलता, देखिए इसमें एक खराब है, तो मतलब मिला जुला के अगर मैं इसे रिपेयर करूंगा, इसके जगह पे दूसरा लगा दूंगा, जोड़ करेंगे भी तो भी चलेगा, और वो क्या होगा रिपेयरिंग क्या होगा, इसे हम पूरा रोल ये पत्ती इसमें एलईडी जो प्लेट है इसको हम मार्केट में बेचता है और इसे हम लाकर नया लगा देंगे। तो आप देखिए दोस्तों कैसे एलईडी चेक होता है, एलईडी टेस्टर ये है, एलईडी टेस्टर का लेना है तो आप मेरे को बोलिएगा, आपको टेस्टर जो है ये दोनों चलेगा। और ये मैं बता दूँ कि अगर दिल्ली वाले हैं तो दिल्ली में मिलता है, ये लगभग लाइन मार्केट में आप जाकर ले सकते हैं, अगर दिल्ली से बाहर है तो आप मेरे से बुला सकते हैं, ठीक है। एलईडी टेस्टर ये चेक करेंगे, एलईडी जो है मार्केट में दिया है इसे भी पुराना लीजिए नया लीजिए आप इसको ले सकते हैं, और मैं इसे मार्केट से लाकर लगाऊंगा, और इसको लगाते ही डिस्प्ले में जो लाइट नहीं आ रही थी, अभी आप कहेंगे कि ये तो बत्ती कोई कोई चल रही है तो फिर पूरी क्यों नहीं चल रही, पूरी देखिए अभी जो है ये काली वाली तार इन सबका जो मेन है, और ये जो है ब्लू वाली तार सबको स्लीप में छोड़ते हुए ऐसे करके आ रही है, ठीक है। तो अभी हेडफोन सा हुआ ये ब्लू तार और इसका हेडफोन सा हुआ ये काली तार, अगर इनमें जलाते हैं देखिए ये अभी चल रही है, लेकिन उस समय वहां पे नहीं चल रही जहां से मैं चला रहा हूँ, करेंगे या फिर नया लाकर मार्केट से लगा देंगे। तो दोस्तों आपने देखने का एलईडी चेक करते हैं, टेस्टर के फोन आया था, टेस्टर के लिए आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, और आपका जो कॉल नंबर है फोन पे, फोन नंबर मेरा यूट्यूब में जो आपके सामने अभी डिस्प्ले में चल रहा है वही मेरा फोन नंबर है, और इसके एलईडी प्लेट भी खरीद सकते हैं और ये भी खरीद सकते हैं, इन्वर्टर कार्ड भी लेना हो तो मुझे बोल सकते हैं।